हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले विप्रो की रीसेंट अपडेट के बारे में। एज यू ऑल नो, विप्रो इलाइट फेज टू हायरिंग स्टार्ट है एंड यहाँ पर गाइस बहुत सारे डाउट्स हैं आप सभी कैंडिडेट्स के, तो वो सभी डाउट्स आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, विप्रो एलाइट NTH 2022 हायरिंग। तो गाइज यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी में जो डाउट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है इस एग्जाम के लिए। तो गाइज एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या इसका डिटेल सिलेबस होने वाला है, क्या टेस्ट पैटर्न होने वाला है, किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो, रिसोर्सेस क्या है, A to Z सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड चीज आता है नॉट रिसीव्ड एग्जाम लिंक। सो गाइज ये भी बहुत कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम है कि अभी तक के एग्जाम लिंक रिसीव नहीं हुई है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है एंड आपको कब तक के रिसीव होने वाली है, नहीं रिसीव होने वाली है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। लास्ट पॉइंट आ जाता है ट्रिप्स टू क्रैक एग्जाम, किस तरह से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, जिसके बारे में मैं आपको एक डिटेल सॉल्यूशन दे दूंगा जहां से आपको इजी हो जाएगा कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो A to Z सभी चीजों के बारे में बात करूंगा मैं। उससे पहले गाइज अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के जो रिसेंट वीडियोज है जैसे कि आप देख सकते हो Capgemini की हायरिंग है, टेक महिंद्रा की हायरिंग है, इन्फोसिस की हायरिंग है, कॉग्निजेंट एंड क्विक हिल की हायरिंग है, तो जो भी रिसेंट हायरिंग है हमारे चैनल पे वहां पर जाके आप अप्लाई कर दीजिए जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। ओके, ये सभी अपॉर्चुनिटीज बहुत ही अच्छी है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, जहां पर आपको गुड सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो डेफिनेटली रिसेंट वीडियोस को चेकआउट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। अब बिना किसी देरी के हम वीडियो पर वापस आ जाते हैं, वीडियो पर बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हायरिंग थी विप्रो एलाइट नेशनल टैलेंट हंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, अपडेट दिया था। 2020, 2021 एंड 2022 ग्रेजुएट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। ओके, सो यहाँ पे तीन बैच यहाँ पे अप्लाई कर सकती है गाइज। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स यहाँ इसके देखने मिल जाती है और यहाँ पे आपको 3.5 LPA का पैकेज प्रोवाइड किया जाता है। ओके, प्रोजेक्ट इंजीनियर की जॉब रोल है। अगर आप भूल गए होंगे तो मैंने आपको याद दिला दिया कि कौन सी जॉब में आपने अप्लाई किया था, किसका ये मेल आ रहा है। ओके, सो ये चीज हो गई। अब सेकंड चीज आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो वीडियो था विप्रो रिक्रूटमेंट, यहाँ पर मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था 3.5 LPA का पैकेज था। ओके, आ जाता प्रिपरेशन के बारे में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई है हाउ टू प्रिपेयर फॉर विप्रो एलाइट NTH सिलेबस एग्जाम प्रिपरेशन एंड रिसोर्सेज। ओके, सो ये वीडियो में आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखने मिल जाता है, सबसे पहले आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होता है, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट होती है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है। टोटल 128 मिनट का असेसमेंट होता है, जहां पर आपको एप्टीट्यूड में कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, रिटन कम्युनिकेशन में 20 मिनट्स में एसे राइटिंग सेशन होता है। ओके, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट की बात कर ली जाए गाइस, तो यहाँ पे आपको 2 प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। ओके, 2 प्रोग्राम्स कोडिंग क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। ओके, तो ये हो गया प्रोग्रामिंग के बारे में एंड पूरी टेस्ट के बारे में। सिलेबस के बारे में बता दिया मैंने कि गाइस क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 16 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग में 14 क्वेश्चन, इंग्लिश में 22, एसे राइटिंग में 1 एंड कोडिंग में 2। किसके लिए कितना टाइम है इसके बारे में भी डिटेल में बताया गया गाइस। तो आपको क्या करना है, वो जो वीडियो है वीडियो को जाकर देख लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपकी वीडियो है, वीडियो में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो जाकर देख लेना है जहां पर मैंने आपको एग्जाम प्रिपरेशन रिसोर्सेज सभी चीजों के बारे में डिटेल में बताया। तो एग्जाम प्रिपरेशन आपकी यहां से हो जाएंगी अगर आप इस वीडियो को वॉच कर लेते हो। तो टेस्ट पैटर्न, सिलेबस, A to Z सभी चीज मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, सो वो आप जाके चेकआउट कर लीजिए। अब सेकंड चीज आ जाती है नॉट रिसीव्ड एग्जाम लिंक एंड टिप्स टू क्रैक एग्जाम। तो गाइस टिप्स क्या है, आपको जो सिलेबस दिया गया है उससे प्रैक्टिस करना है, जो आप हर एग्जाम में देते हो, इन्फोसिस का एग्जाम दिया होगा, TCS का एग्जाम दिया होगा, कॉग्निजेंट, Capgemini, कोई भी एग्जाम दिया होगा, सेम ही एप्टीट्यूड यहाँ पे पूछा जाता है, सेम ही कोडिंग पूछे जाते हैं। ओके, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है अगर आप अरेंज कर सकते हो वहां से आपको प्रिपेयर कर लेना है इस एग्जाम के लिए। अब और भी डिटेल में हम बात करने वाले हैं आगे की इस वीडियो में गाइस, उससे पहले मैं आपको एक अपडेट के बारे में बता देता हूँ। ओके, सो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको अपनी वीडियोज में रिलेवल के बारे में कई बार बताया, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आसानी से फ्री टेस्ट देकर मनपसंद की जॉब ले सकते हैं गाइस। ओके, रीलेवल से क्रेड, यात्रा, मेशो, स्विगी जैसी 80 से भी ज्यादा कंपनीज में 1000+ रोल्स के लिए हायर किया जा रहा है। ओके, इन्होंने अभी तक 15 करोड़ से भी ज्यादा वर्थ के जॉब्स अपने कैंडिडेट्स को दिलाए हैं। ओके, रीलेवल पर 5 टेक्स एंड 5 नॉन टेक टेस्ट अभी कंडक्ट किए जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इन टेस्ट में आप वेब डेवलपर, सेल्स एनालिस्ट, प्रोडक्ट एंड HR जैसे रोल में भी जॉब ले सकते हैं। इंडिया में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की सैलरी 3 LPA तक होती है। रीलेवल ने कई कैंडिडेट्स को अब बड़ी बड़ी कंपनीज में सेम पोजीशन के लिए 8.1 LPA तक के जॉब दी गई है। ओके, सेल्स एक बहुत ही रिवॉर्डिंग जॉब है, अगर आप अपना करियर बिजनेस डेवलपमेंट में बनाना चाहते हो तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रमोट होने के बाद एसोसिएट और मैनेजरियल पोजीशन पे आते हैं। सो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी गाइस, जहां पर आपको यहाँ पर आप अपनी करियर की शुरुआत कर सकते हो। आप रीलेवल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। रीलेवल पे जाके आप आज ही साइन अप करिए, वहां पर आपको टेस्ट की पूरी डिटेल्स एंड रेफरेंस मिल जाएंगे, मटेरियल्स भी मिल जाएगा, और तो और आप टेस्ट
का डेट भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पिकअप कर सकते हो। वीकेंड में आराम से देना है, छुट्टी के दिन, या फिर कल ही देके जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करना है, ये टोटली आपके डिपेंड आपके ऊपर डिपेंड है गाइज। ओके, साथ साथ अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो रीलेवल आपको बहुत सारी गुडीज सेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको जो भी कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे गुडीज मिल जाती है, जैसे कि मैं आप दिखा देता हूँ। अगर आप टॉप स्कोरर बनते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो एप्पल का यहाँ पे आपको लैपटॉप आईमैक देखने मिल जाता है। ओके, एप्पल का लैपटॉप देखने मिल जाता है। एंड अगर आप सेकंड टॉप स्कोरर एप्पल वॉच देखने मिल जाते हैं। इस तरह से बहुत सारी गुडीज जो है आपको री लेवल जो है प्रोवाइड करता है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो तो। री लेवल एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप अपने सक्सेसफुल करियर लॉन्च करना चाहते हो तो। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, टॉप में आपको लिंक मिल जाएंगे, वो जाकर चेकआउट करो। बहुत ही सारी वहां पे अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। एंड मुझे कमेंट में आप एक और चीज बताओ कि आप कौन सी टेस्ट के लिए रजिस्टर करने वाले हो। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है गाइस तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली आपके हेल्प करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर ना आपको कोई डिग्री की ना कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है। एंड आप बहुत ही अच्छी ड्रीम जॉब विद हाई सैलरी पैकेज एंड गुड सैलरी पैकेज लॉन्च कर सकते हो। वापस आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, बात कर लेते हैं विप्रो के एग्जाम के बारे में। ओके, सो आपका जो डाउट था कि नॉट रिसीविंग एग्जाम मेल, तो इसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो एक कैंडिडेट से जिन्हें ये एग्जाम का मेल आया, जहां पर आप देख सकते हो टेस्ट स्टार्ट टाइम 24 फरवरी 2022, आज की 24 फरवरी है। एंड कुछ मेल्स ऐसे भी देखे हैं मैंने जो कि 25th को भी है। ओके, सो 24 को भी एग्जाम है, 25th को भी एग्जाम है, फिर भी तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को 25th को भी एग्जाम है। ओके, सो फिर भी अगर आपको एग्जाम का टेस्ट का डेट नहीं आया तो नो नीड टू वरी, आपको 1 से 2 दिन पहले एग्जाम का मेल आ जाएगा, जब भी आपकी एग्जाम शेड्यूल की जाएंगी। पहले भी विप्रो ने फर्स्ट फेज में अलग हायरिंग की थी, अब सेकंड फेज में अलग हायरिंग कर रही है, हो सकता है रिमेनिंग कैंडिडेट्स का थर्ड फेज में ले ले। ओके, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जैसे कि आप सभी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2020, 2021 एंड 2022 बैच सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं गाइस। ओके, सो हो सकता है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट बैच में डिफरेंट स्लॉट में आपका एग्जाम लिया जाए। तो 24 एंड 25 डेट तो फिक्स है, आगे की डेट में भी आपको कैंडिडेट्स को जो है एग्जाम का यहाँ पे आपको मेल सेंड किया जा सकता है। ओके, सो ये रही टेस्ट की बात कि अगर आपको एग्जाम लिंक नहीं मिली है तो आपको उसको बिल्कुल बिल्कुल भी आपको उस चीज के लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी अगर आपने सक्सेसफुली रजिस्टर किया है तो। ओके, टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि टेस्ट पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, वहां पे आपको उस वीडियो में रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, उसकी लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएंगी। ओके, टिप्स टू क्रैक एग्जाम, एग्जाम आपको क्रैक कर रही है तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। एसे राइटिंग का एक टॉपिक आता है, तो जो भी रिसेंट टॉपिक्स है या तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उसके उसके ऊपर आपको जो है एसे लिखना होगा। ओके, हो सकता है जो रिसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स है वहां पर आपको उस टॉपिक्स पर एसे लिखने बोला जाए। फिर आ जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट, तो सभी जो टेस्ट होती है इन्फोसिस एंड अदर कंपनीज की, उसमें जो एप्टीट्यूड पूछा जाता है वही एप्टीट्यूड यहाँ पर भी आपको पूछा जाएगा। रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट में तो आपका एसे आ गया 20 मिनट्स का। एंड ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट जहाँ पे आपको 60 मिनट्स में 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्रोग्रामिंग आपको प्रिपेयर कर लेनी है, कोई भी लैंग्वेज में आप प्रिपेयर कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज आप प्रीफर करते हो, जो भी लैंग्वेज में आपको आती है कोडिंग उस लैंग्वेज में आप जो है प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप ये सभी चीजें क्लियर कर देते हो तो फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला है। तो ये थी विप्रो की पूरी प्रोसेस, आई होप गाइस आपको सभी चीजें डिटेल में समझ आ गई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो, चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल दी एंड।